हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टिश्यू है एनिमल टिश्यू, वो दूसरा वाला है हमारा मसल टिश्यू। ठीक है, मसल टिश्यू क्यों है? क्योंकि ये मसल सेल से बना हुआ होता है और मसल सेल्स को मसल फाइबर्स भी बोला जाता है। जो ये मसल सेल्स होते हैं, इनकी जो शेप होती है वो होती है एलोंगेटेड शेप। ठीक है, पूरी बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड करती है? मसल्स के ऊपर। ठीक है, और जो मसल टिश्यू है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, इसकी जो फंक्शन है उसके ऊपर इन्हें तीन में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वाला है हमारा स्टीरिएटेड मसल्स। ठीक है, और फर्स्ट वाला कौन सा है हमारा? स्टीरिएटेड मसल्स। स्टीरिएटेड मसल्स कैसे है? जो हमारे मसल्स होती हैं, स्टीरिएटेड जो मसल्स होती हैं, इनको हम स्ट्रिप्ड मसल्स के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रिप्ड मसल्स का मतलब क्या होता है? ये बैंड्स होते हैं। ठीक है, डार्क बैंड होता है, फिर लाइट होता है, फिर डार्क होता है, फिर लाइट होता है। ठीक है, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है पूरी की पूरी। अब जो मसल सेल्स होते हैं ये हमारे कहाँ कहाँ पर मिलती है? हमारी लिम्स के अंदर। ठीक है, जो हमारे लिम्स हैं उनके अंदर, बॉडी वॉल के अंदर, जो बॉडी की वॉल है पूरी की पूरी उसके अंदर मिलती है ये हमें। फेस है, नेक है, ठीक है, ये हमारे सारे ही पार्ट्स है, टंग है, फेरिंग्स है, डायफ्राम है, सभी के अंदर क्या मिलती है हमें? सीरिएटेड मसल्स मिलती हैं। इसका फंक्शंस क्या होता है? रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। इसका जो फंक्शन है वो होता है हमारा रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो ये मसल्स होती है हमारी टायर्ड भी हो जाती हैं, टायर्ड होने के बाद फिर इन्हें नीड होती है रेस्ट की। ठीक है, दूसरा वाला है जो इसका फंक्शन है, फर्स्ट वाला हो गया हमारा रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, एंड थर्ड वाला है इट प्रोवाइड द फोर्स, प्रोवाइड फोर्स फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन। ठीक है, जो हमारी मूवमेंट्स के लिए जो फोर्स प्रोवाइड होता है वो कौन करता है? मसल टिश्यू। मसल टिश्यू का कौन सा पार्ट है? स्टीरिएटेड मसल। ठीक है, दूसरा है हमारा, दूसरा पार्ट है इसका मसल टिश्यू का स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल, नाम से ही पता चल रहा है हमारी जो जितनी भी हमारी मसल्स होंगी वो सारी कैसी होंगी? हमारी स्मूथ होंगे। जैसे इसमें कैसी थी हमारी? सारी स्ट्रिप्ड थी, लेकिन इसमें कैसी होंगी हमारी सारी की सारी? अनस्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड मसल्स। ठीक है, जो ये होती है हमारी, ये कहाँ पर मिलती हैं? जो स्मूथ मसल्स है हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल एंड इंटेस्टाइन, इन सभी में हमें क्या मिलते हैं? स्मूथ मसल्स मिलती हैं। नेक्स्ट, इसका जो मेन फंक्शन है, स्मूथ मसल्स का जो मेन फंक्शन है वो है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, जो एलिमेंट्री ट्यूब्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी जो मूवमेंट होती है ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड होती है? स्मूथ मसल्स के ऊपर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये हमारी एट ए टाइम ओपन हो जाए और एट ए टाइम ही हमारी क्लोज हो जाए, इसे टाइम लगता है। ओपन हो गई तो क्लोज होने में टाइम लगेगा, क्लोज हो गई तो ओपन होने में टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड पार्ट है इसका कार्डियक मसल। कार्डिक मसल, नेम से इसके पता चल रहा है, कार्डिक का मतलब ही क्या होता है? हार्ट सेल्स या हार्ट मसल्स। ठीक है, जो हमारी कार्डिक मसल्स होती हैं, कार्डिक मसल्स हैं, ये हमारे दोनों टाइप्स की होती हैं। ठीक है, इसके अंदर दोनों की करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स की भी और स्टीरिएटेड मसल्स की भी, दोनों की करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर पाई जाती है हमारी। ठीक है, अब ये हमारी कहाँ पर मिलती है? हार्ट के अंदर मिलती है। ठीक है, इन द हार्ट, वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट के हमारी सारी वॉल्स के अंदर कार्डिक मसल्स ही मिलती है। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शंस ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, बहुत तेजी से ये क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। ठीक है, और ये कैसी होती हैं? टायरलेस। टायरलेस का मतलब क्या होता है? कभी नहीं थकने वाली, थ्रू आउट द लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम चलती रहती है। जो हमारे ये मसल है काम करना कब से स्टार्ट कर देती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज से शुरू कर देती हैं एंड टिल डेथ। एम्ब्रियोनिक स्टेज, तब से हमारी शुरू हो जाती है मसल काम करना, और जब तक हमारी
लाइफ रहती है तब तक ये काम करती रहती हैं, तब तक डेथ होती है। दूसरा जो फंक्शन है इसका वो है हार्ट मसल के अंदर जो हमारा ब्लड का पंप आउट होता है, ठीक है, ब्लड पंपिंग, ब्लड को पंप करती हैं और पूरी बॉडी जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी में इन जो हमारा ब्लड होता है उसे पंप आउट करके पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। जो थर्ड वाला हमारा टिश्यू है, एपिथेलियल, थर्ड वाला है जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे।